स्वागत है आप सबका स्वैन इंजीनियर्स में। बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है एनसीआरटीसी की ओर से, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से, जिसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्राम एसोसिएट के और भी काफी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। आप सब ने डिप्लोमा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में इंजीनियरिंग की है तो आप सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कब तक हम अप्लाई कर सकेंगे, पूरी तरह से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप सब मेरी चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। इस अपडेट अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिल जाए। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। एनसीआरटी की ओर से जो वैकेंसी नोटिस आई है उसमें जो हमारी इंपोर्टेंट डेट की बात कर ले तो हमारी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 सितंबर है। 15 सितंबर से हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 सितंबर तक रहेगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। हमारी जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 सितंबर रहेगी, उसके बाद हम हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे। हमारी एग्जाम कब होगी और किस मंथ में होगी उसके बारे में भी इस वैकेंसी नोटिस में दे दिया गया है। तो हमारी जो एग्जाम होगी वो अक्टूबर के लास्ट वीक में हो सकती है या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रहेगी। मैक्सिमम एज हमारी 20 ईयर रहेगी, 20 ईयर तक आप सब अप्लाई कर सकेंगे। जो हमारी क्वालिफिकेशन रहेगा वो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट की बात कर इलेक्ट्रिकल में तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36 दी गई है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 28 रहेगी और जो हमारा क्वालिफिकेशन रहेगा वो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। अब बात करें मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 दी गई है, तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए। सिमिलरली मैक्सिमम एज 28 रहेगी और जो हमारा क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल इंजीनियर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहेगी, मैक्सिमम एज 28 रहेगी और जो हमारा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए। अब बात करें प्रोग्रामिंग एसोसिएट की तो नंबर ऑफ वैकेंसी 4 रहेगी। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने डिप्लोमा किया तो आप अप्लाई कर सकते। आप सब देख रहे हो ITI के लिए भी बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट है। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ITI किया हो तो आप उसको इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो के थ्रू आप रिकमेंड कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिल जाए। अब बात करते हैं स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर की, जो टोटल नंबर वैकेंसी है वो 67 वैकेंसी है, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल किया हुआ अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है तो अप्लाई कर सकता है, इक्विवेलेंट BSc फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखें स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 67 वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो 28 ईयर तक रहेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो हमारा सिलेक्शन बेस्ड ऑन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होने वाला है। बाद में हमारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगी जो हमारे रेलवे के मेडिकल मैनुअल में आता है, उसी बेस पे हमारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगी। 40 पोस्ट SN11 जिसमें स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर आता है, ट्रैफिक कंट्रोलर आता है, उसका भी सिमिलरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा एज पर द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड हमारा रहेगा SN1 नंबर 1, 2, 5 एंड 11 के लिए 1,50,000 तक का बॉन्ड रहेगा। इसमें 2 ईयर का हमें मिनिमम पीरियड कॉरपोरेशन में सर्व करना रहेगा। बॉन्ड का मीनिंग है कि आप 2 ईयर तक वर्क नहीं करते हो, बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको इतने अमाउंट दे के आपको रिजाइन देना रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब सैलरी की बात करें तो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर की जो सैलरी रहेगी पर मंथ वो 35,250 रुपीज़ रहेगी और ट्रेन ऑपरेटर की जो सैलरी रहेगी वो 37,750 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो UR OBC EWS एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ की और SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फीस नहीं रहेगी। अब बात करते हैं किस तरह से अप्लाई करना है तो आपको www.ncrtc.in वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब हमको जो स्टेप फॉलो करना है वो www.ncrtc.in पे वेबसाइट पे जाके हमें करियर पे क्लिक करना रहेगा, जिसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी, वहां से
जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस स्टेप को फॉलो करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो ताकि आपको आसानी रहे। और आपको रीजन पासपोर्ट साइज का फोटो और अपना जो सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट है और हमारा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो हमें अपलोड करना रहेगा। अब इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियर में 9 नंबर ऑफ ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर और भी लिस्टेड इंजीनियरिंग के फील्ड है जो जिसमें से आपने किए वो अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी सिमिलर इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी अप्लाई कर सकता है। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारी ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में अप्लाई कर सकती। सिविल इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियर अप्लाई कर सकेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऐसी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। इस अपडेट अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।